क्या दिक्कत है? हमारा बहुत सारा जेवर चोरी चला गया। आप देखिए, बुरा तो नहीं मानोगे, मैं चोरी तो बताता नहीं हूं, और कहां से गया कहां से नहीं गया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं गया कहां से है, दोषी कौन है इसमें ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहू का नाम क्या है? माइक से बोलिए। नेहा। नेहा, अब हमने क्या लिखा सुने, आपने इस बच्चे को तो नहीं बताया था चोरी के बारे में? नहीं। आप बताओ साहब, माइक आप लो। नेहा नहीं बताई थी। सुनिए, हमने लिखा है बहू नेहा से ट्रेन में से सामान आभूषण चोरी गया, सुराग मिलेगा, बहू इसमें गलत नहीं है, घर के मायके के व्यक्ति के पास जेवर नहीं है, बहू तुम्हारी शुद्ध पवित्र है, उसने चोरी नहीं की और ना ही घर वालों ने की, ट्रेन से मायके गई थी। ट्रेन से गई थी कि नहीं गई थी? माइक से बोलो। हाँ, ट्रेन से गई थी। अब जब ट्रेन से गई तो ट्रेन में ही माल रहेगा। देखिए, मेरी बात समझ रही ना, मैं नाम नहीं ले सकता, उसके घर के, उसके माँ बाप, उनके पत्नी मैया, उनकी बहन, उनके परिजन ने किसी ने भी चोरी नहीं की, लेकिन माल ट्रेन में से ही निकला और डब्बा निकल गया। नो, चोरी के लिए पुलिस से पूछो, हम चोरी धन मर्डर नहीं बताते। और पूछ लो जो पूछने हो। क्या नाम है बहू का? देखिए, मेरी बात समझ नहीं आप, कौन जाती हैं आप? बनिया हो? गोहिल, वो तो गोहिल है, गोहिल आ रहा है इसमें, प्रसादी बात तो गोहिल हुआ है ना, और उसके बाद उसके मायके में जो केजरीवाल है, मैया माइक से बोलिए, ऐसे बात मत करिए, मैं खुसर फुसर नहीं सुनता, मिल जाए ना मिल जाए हमारे हाथ में नहीं है महाराज जी, ऐसी शांत रहिए। लीजिए, हमने ये मंत्र जरूर लिख दिया, इस मंत्र से, भोजपत्र पे लिखने से और उसकी फोटो पे लिखने से, जिस तारीख में गए उस तारीख को लिखने से उच्चाटन हो जाएगा, और यदि घर परिवार में किसी के पास होगा तो रन जाएगी और रहस्य खुल जाएगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता। पढ़िए, वैसे हमें यह पता है साथ में कितने लोग गए थे, हाँ। कौन कौन गए थे, हाँ। हम चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं बता रहा हूं कि इनने करी, हाँ। इनके साथ में 3 लोग थे, हाँ। इसमें मूलतः ये थे, और इसका चाचा नीरज था, हाँ। नीरज था, और तीसरा कौन था, क्यों बोलने जाता, क्या नाम था तीसरे का? अभिनव। पढ़ो सब, हाँ तो पढ़ो, रितिका, अभिनव, नीरज, इन्हीं को हम लोग यही चार। मैंने सबके नाम लिखे ऑलरेडी। अच्छा, क्यों लिखे? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन्हें चोरी की, निकाल लिया। मैया देखो, ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। अच्छा। आप बनिया हो ना, मेरी मांग तो लो बड़ी बुजुर्ग हो, लेकिन हम जात के पंडित हैं, हम दबाव में नहीं आते और ना हमें कोई गुमराह कर पाएगा, इमोशनल दबाव से हमसे नहीं पूछ पाओगे, लेकिन आप जैसी आपकी बहनों ने मुझे जन्म दिया है, मैं भारतीय माता से जन्मा हूं, और कोई हमको हमारे दिमाग कोई चाट के निकल जाए तो संभव नहीं, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है आपकी रितिका, नीरज आदि ने चोरी के, मैं आरोप इन पे नहीं देता, लेकिन तुम्हारी बहू नेहा ने चोरी नहीं की, लड़ती जरूर है, झगड़ती जरूर है, गुस्सेल है, दिमाग की डिस्टर्ब है, तुम सबको नाक में नकेल डाले, सही है, सही है ना, सही है महाराज जी, कृपा। लेकिन हम चोरी क्यों कहें कि चोरी की, हाँ यदि आप दबा रखते हो तो सेव करके रख लिया हो तो अलग बात है, तो अलग बात है, लेकिन हम तब भी नहीं कह रहे कि उनने की, इसके लिए पुलिस है, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, ये मंत्र लिख दोगे तो जहां भी माल होगा वो माल जिसके पास होगा उसके बाप को भी फेंकना पड़ेगा। जय हो, भागे
जय हो पटोखर सरकार की, जय महाराज जी की, जय श्री सीताराम नाम महाराज की, हाँ। जय हाँ। और महाराज जी कलेश भी दूर हो जाए घर हाँ, का। सब हो जाए मैया बहुत तरस रहे थे आप। इसका पति का नाम क्या है? उत्कर्ष गोयल। आज इसको क्यों नहीं भेजा था साथ में? इसको ये बैठाने गया था। रीतिका कौन है ये? ये रीतिका उसी के चाचा की लड़की है, नेहा के चाचा की और लड़की। जो दूसरी एक और है वो उसका भाई है अभिनव, मतलब रीतिका का भाई है। हा? नीरज के दो बच्चे थे और एक बीबी थी बबली नाम है उसका, नीरज की बीबी थी। साफ मिला के पांच लोग आए थे। हाँ 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 तो जान मंत्र कर लो। अच्छा, हनुमान जी कृपा करेंगे। हाँ, गुरु कृपा होगी। हाँ, और आप पढ़े लिखे हैं और हम चोरी धन मर्डर नहीं बताते, इसके लिए पत्रकार बंधु हमारे गवाह हैं आज के। हमने इस विषय पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला, हमने इतना ही बोला है कि चोरी ट्रेन से हुई। हाँ, बाहरी व्यक्ति ने चोरी नहीं की, और घर का व्यक्ति है या बाहर का मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी बहू ने चोरी नहीं की। गुस्सेल है, लड़ाकू है, नाक में नकेल डाले हुए हैं, आपको खूब परेशान कर रही है, ये उसका स्वभाव है। बस जाओ, कृपा करिए और बिजनेस थोड़ा सा जाए। उठाइए अपना जी, उठा लो, जाओ जाइए। जय जय मैया, जय जय मैया। नीचे जाओ, बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। वो बहन लाल दुपट्टा वाली जो कुर्सी पे बैठी बीच में, हाँ ये जल्दी आ जाइए। जो बाहर से नाम सुन के यहां आए हैं दरबार के लिए, तुम चिंता मत करना, तुम लोगों की भी मुलाकात करूंगा, लेकिन 85% यहां के लोगों की करूंगा और 15% में बाहर वालों की भी करूंगा, क्योंकि उनका क्या दोष है, जब टीवी पे गया है तो लोग आते हैं। दो नहीं, ये आप चिंता मत करो। हाथ बताओ, आंखें बंद करो, बैठ जाइए, बैठ जाइए बहन, आराम बैठो, बैठो, हम उठा देंगे आपको, पालती मार के बैठो। मारो ना, मैं बोल रहा हूं, आपका ऑपरेशन हुआ मैं पता है। इसको यहां फेंको, ये रूमाल यहां रखो, नीचे रखो रूमाल, आंखें बंद करो, जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं पंडोखर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। बैठ जाइए, आप कह रही थी ना हमें उठाने की जरूरत पड़ेगी, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हनुमान लड़ा तो दुनिया को उठाने वाले हैं। पास में आइए भैया, बैठ जाओ, बीच में तो उठ उठ के जाओगे या तो कल से आगे बैठना मत, घर से ही टीवी पे देखना। माइक उठाओ, हमें मालूम है हमारी मैयाओं को रोटी बनाने ही है, व्यवस्था करनी, बच्चों को भी खिलाना, पतियों को खिलाने ही, कहेंगे बड़ी तुम पूजा वाली, टेंशन है माताओं को तो क्या करें। लेकिन कल का दरबार तो रात्रि में भी चलेगा, रात्रि में चलेगा ना, पक्का 100%, 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, हो सके तो खुले में स्टेज लगा देना, लगवा देना, वहां लग जाए तो पूरा लंबे में बैठ जाएं। हाँ तो हवा लगती रहेगी ना बहन, बोलो क्या बात है, बोलो बहन। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, मेरे ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, 5 ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद अभी दर्द बहुत रहता है, ठीक है, और बोलो। आप अपने जेब में से 500 का नोट दीजिए, पहले हमसे मिली तो नहीं हो आप, पहले माइक से बोलो, आप पहले मिली तो नहीं थी आप हमसे, नहीं, कहीं हम रुके हो संतोष जी के यहाँ या किसी के परिचय से मिली हो? नहीं मिले हम आपसे। हाँ नहीं मिले हम आपसे। एक नोट दीजिए, देखो नंबर क्या है इसका, 373 कितना है, इतने इतने यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये पढ़ो, 73 42, 73 42, आपके 5 ऑपरेशन हुए हैं एक्सीडेंट के द्वारा,
आपको दिक्कत होती है, नस फ्रैक्चर्स हैं, वह आपको बैठने उठने में दर्द नहीं होगा, आशीर्वाद है। यही 500 का नोट जो नंबर लिखा है, ये नंबर के नोट जो यहां लिखा है, इसी नोट से आपको लड्डू चढ़ाना है और हनुमान जी कृपा से मैं गारंटी देता हूं आपकी बाधा समाप्त। ठीक है, पांच जो ऑपरेशन हुए और ये ऑपरेशन सफल, लो फ्रैक्चर हुआ था दुर्घटना में, दर्द रहता है, आज से ही लाभ। ये बताओ ये 500 का नोट आपने किसी को दिया था क्या? हैं? सही बताओ, किसी को नहीं दिया। तो ये फिर हमने कैसे लिखा? फिर ये मंत्र करना है आपको, पकड़ना नहीं है उसको, पकड़ना नहीं है, पढ़ो इसको, नहीं पकड़ इसको पढ़ो, ओम श्रीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारिया बंधन, पितृ देवता कुल देवता पूजना है, तुम्हारे घर में सब हरा भरा होगा, आशीर्वाद है। अपना नोट वहां दिखाइए स्क्रीन पर, ऐसे पकड़ के दिखाइए, ऐसे करके ऐसे दिखाइए, दोनों हाथ से पकड़िए, स्क्रीन पर लीजिए, यहां पे यहां पे यहां पे देखिए, वहां दीजिए ऐसे, उस साइड कैमरे से। और हमने क्या लिखा वो भी आप स्क्रीन पर पहुंच गया, आप देख सकते हैं। हमारा भी लिखा होगा ऊपर से, तीसरी या चौथी लाइन में लिखा होगा, ये पंडोकर सरकार ने तुम्हारे पर्स में रखे हुए 500 नोट को कैसे बताया, क्या आप बता सकती हैं? माइक से बताइए, बताइए क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। कितनी पढ़ी लिखी हो? एमए है, हिंदी से एमए है। हिंदी से एमए है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैं तो नहीं मालूम मोबाइल नंबर, पति का बता दीजिए। 9259318610। आपने यहाँ ये 500 का नोट किसने दिया था रखने के लिए कि जेल जाना, गुरुजी को गुरुजी मांगे दे देना? नहीं, हम ही ने रखा था। एक ही क्यों रखा था? इसमें 500 के 3-4 नोट, 2-3 और रखे हैं। तो ये ऊपर क्यों रखे थी फिर? अभी ये तो हमें नहीं पता है। ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ दिया हो बगल में बैठने वाले व्यक्ति ने? नहीं नहीं किसी ने नहीं। क्यों बहन, आपने तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं किसी, हमें तो लग रहा कि आप भी नहीं रख दिया है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करो, हनुमान जी की कृपा से सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। चलो जाइए, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, श्री पंडोकर सरकार की, बैठ जाइए जाइए, इसी के लड्डू चढ़ाना है।